एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर आप पूर्व जन्म के बारे में बात कर रहे हैं कि आज अच्छा काम करेंगे तो अगले जन्म में आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, लेकिन ये तो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है? सही कह रहे हैं आप कि जो भी चीज़ हम करते हैं उससे हमारा अगला जन्म अच्छा होगा या बुरा होगा ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूवन है, और साइंटिफिकली क्या, एम्पिरिकली प्रूवन है, मतलब आप इसको खुद टेस्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई अच्छा काम आज करते हैं तो उसका रिजल्ट कल तो उसका इमीडिएट देख सकते हैं। छोटी सी चीज़ है, एक ऐसा खाना खाइए जिसमें कचरा हो तो कल आपका पेट दर्द करेगा। अगर आप कोई हेल्दी खाना खाते हैं तो उसका कल आपको उसका हेल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर आपने आज अपने करियर के लिए पढ़ाई कर रखी है तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आप जो कल जो आप खुद को मिलेंगे वो एक इंटेलिजेंट आदमी मिलेगा। कल का तो कोई पक्का भरोसा है ही नहीं। ये पूरा का पूरा जो साइंस है पुनर्जन्म का, वो अगले जन्म का तो बाद में है, पहले इसी लाइफ में अगले दिन, अगले महीना, अगले साल का है। गौतम बुद्ध ने जब ये रिजल्ट बातचीत करना शुरू की फ्यूचर लाइफ के बारे में, ही नेवर टॉक्ड अबाउट नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ के बारे में बात की है, बट ही कुड सी, बट बिफोर, मच बिफोर दैट ही सॉ दैट जिन लोगों ने भी अपने प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट थॉट्स में, वर्ड्स में, डीड्स में कुछ चेंजेस किया, पॉजिटिव चेंजेस किया, तो उन्होंने देखा उनका माइंड शांत होना शुरू हो गया, उनकी लाइफ में एक्सीडेंट्स कम आना शुरू हो गए। सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर मेरी कार चल रही है और कार में कुछ पुर्जे खराब हैं उसको ठीक कर दूंगा तो मेरी कार ठीक चलेगी। ठीक ऐसे ही हमारे शब्दों में, अगर मान लीजिए मैं, आप मेरे पास आते हैं मुझसे बात करते हैं और मैं आपसे बदतमीजी से बात करता हूँ तो ये आप मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, और आप अगर मेरे दोस्त नहीं हैं तो मेरा कल आपके साथ ठीक नहीं होगा। तो जो भी चीज़ें हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से कल बनता है, हर एक्टिविटी से एक कल बनता है, वो अगला जन्म बनेगा नहीं बनेगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसका, उससे कल तो बन रहा है, परसों तो बन रहा है, तो उस कल को हम कैसा क्रिएट कर रहे हैं? क्या उस कल का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? क्या उस कल को हम कंट्रोल कर सकते हैं? आज अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो कल खतरा बढ़ता है मेरे लिए लंग कैंसर का। आज अगर मैं एक, भाई किसी ने कहा है, जनों का बोलती है कि आप खाने के साथ, एक ब्रीदिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए तो आप शांत महसूस करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को करके क्या मैं कल को देख सकता हूँ कि मैं शांत हूँ कि नहीं हूँ? क्योंकि प्रूफ, अगली लाइफ का प्रूफ इसी बात पर है, कल मॉर्निंग या अगला महीना या अगला साल आप शांत हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, आप सक्सेसफुल हो पाते हैं अपने एंडेवर में कि नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी शिथिल नहीं हो पाती, शांत नहीं हो पाती, आपका माइंड शांत नहीं हो पाता, अगला जन्म या मतलब अगला दिन ही बेकार है। और मेरे लिए बड़ी खास बात है, मैं जब गौतम बुद्ध की मैंने बुक को पढ़ा और समझा स्पिरिचुअल लेवल पे अगली लाइफ के बारे में, तो मुझे तो ठीक वैसे समझ में आया अनिल जैसे 2 + 2 = 4। मैं बच्चा था जब, छोटा सा बच्चा था, तो उस टीचर्स ने सिखाया था 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और इसको तो भरोसा ही करना पड़ा बचपन में। इसका क्या प्रूफ, मैं तो बचपन में अगर बहस करता तो बोल सकता था टीचर से 2 की जगह 4 क्यों नहीं ले सकते, लेकिन एक नियम कानून के तहत, लॉजिक के तहत इस चीज़ को बांध करके समझाया गया, और उस लॉजिक को हम आज यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में अपनी लाइफ में, नंबर्स को यूज़ करके, और हम हमेशा सही उससे होता है यार, उस नंबर्स को यूज़ करके हम लोग अपने बैंक के अकाउंट को चेक करते हैं, उसी नंबर्स को यूज़ करके हम अपने कपड़े नाप करके पहनते हैं। तो ये जो लॉजिक है फ्यूचर लाइफ की, वो एक बहुत गहरी लॉजिक है जिसके ज़रिए जब जब मुझे समझ में आई, ये समझने वाली बात है कि जिस तरफ आप अपना कदम बढ़ाएंगे उसी तरफ आप आगे जाएंगे। अगर मैं एक अच्छाई की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा हूं तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन अच्छा ही होगा। गारंटी नहीं बोल रहे हैं कि वो तुम आज इस घर में 10 लोगों को, जैसे पंडित लोग बोलते हैं ना कि यहां पर 10 जगह दान दोगे तो तुम एक राजा के घर में जन्म लोगे, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि अगर आपने अपने पापड़ को या अपनी सब्जी को धूप में रखा तो धूप लगेगी, उसको धूप लगेगी तो सीखेगा। ठीक ऐसे ही अगर आपने अपने अच्छे थॉट्स, अच्छे वर्ड्स, अच्छे डीड्स करना शुरू किए तो उसका लॉजिकल रिजल्ट है कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इट्स एक्शन हैज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। इट्स अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुमारो, एंड बिकॉज ऑफ टुमारो नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो।